नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। हमने अक्सर देखा है कि बच्चों को पढ़ाई करते समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है कॉन्सेंट्रेट की, लेकिन कॉन्सेंट्रेट उनका कभी बनता नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम आती है। बच्चे याद नहीं कर पाते हैं और याद ना होने पर वह पेपर में कुछ नहीं लिख पाते हैं और पेपर में सबसे ज्यादा परेशानी होती है, और जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे याद तो कर लेते हैं लेकिन याद करने के बाद कुछ समय बाद उनसे पूछा जाए तो वे बच्चे भूल जाते हैं कि उन्होंने पढ़ा क्या था, या फिर बच्चे को पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। तो कुछ ऐसे हैं वास्तु टिप्स, यदि आप अपनाते हैं तो बच्चों का कॉन्सेंट्रेट भी बना रहेगा और साथ के साथ बच्चे की याददाश्त होगी तेज। नंबर एक, आप यदि बच्चों के लिए कमरा डिजाइन कर रहे हैं तो कमरा डिजाइन करते समय सबसे पहले उसकी स्टडी करने के लिए जो जरूरत की चीज है वह है उसकी टेबल। तो आप हमेशा उसके टेबल का खास ख्याल रखें, गोलाकार की हो या फिर चकोराकार की हो, हमेशा इसी आकार में ही उस टेबल को लें। लेकिन कभी भी आड़ी तिरछी टेबल लेते हैं तो बच्चा हमेशा घूमता ही रह जाएगा, कभी भी उसको याद नहीं होगा। यदि गोल टेबल होगी या फिर चकोर टेबल होगी तो उसी तरह से बच्चे को हमेशा दिमाग में याद रहेगा और साथ के साथ उसे कोई याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर दो, उत्तर पूर्व दिशा। यदि आप देखते होंगे कि बच्चों को हमेशा याद करने के लिए सपोर्ट चाहिए, हमेशा कोई ना कोई दीवार, हमेशा देखा जाता है कि बच्चे याद करते करते हमेशा दीवार की साइड ही लग कर बैठ जाते हैं और दीवार की साइड अपनी कमर को इस तरह से टेक लेते हैं जैसे कि उनको मिल गया हो एक पलंग, और जिसकी वजह से बच्चों का कॉन्सेंट्रेट तो बन नहीं पाता, उसकी वजह से कॉन्सेंट्रेट बिगड़ जाता है। याद भले ही ना हो उन्हें, लेकिन उन्हें एक आराम से स्थितिपूर्ण आराम से बैठने की जगह मिल जाती है। तो आप कभी भी टेबल को लगाने के लिए उत्तर पूर्व दिशा देंगे। बच्चों का ऐसा स्टडी रूम बनाएं कि जिस भी जगह आप टेबल लगाएं तो बच्चे का हमेशा फेस उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, जिससे बच्चों को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और साथ के साथ पीछे कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। आप चेयर ऐसी लें कि जिसकी वजह से वो स्ट्रेट होनी चाहिए और उसकी कमर स्ट्रेट रहे, और जिसकी वजह से बच्चों की एकता भंग नहीं रहेगी, हमेशा जागरूक रहेगा और साथ के साथ याद भी होगा। बच्चों को पढ़ाई करने में सबसे ज्यादा हेल्पर होते हैं उनके माता पिता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि माँ बाप सबसे अच्छे फ्रेंड होते हैं बच्चों के, और साथ के साथ अगर बच्चों को कुछ दिक्कत हो रही हो तो माँ बाप सबसे ज्यादा पहले सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि माँ बाप को पता है कि उनका बच्चा किस तरह से तैयारी कर सकता है और किस तरह से उसे तैयारी करानी है। और यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को भी कोई भी परेशानी ना हो तो आप हमेशा उसकी दिशा को एकांत में रखें। हमेशा हमने देखा है कि बच्चा जब भी पढ़ने के लिए बैठा होता है तो ज़्यादातर मम्मी या पापा उन्हें आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं कि बेटा ये काम कर दो, कि बेटा वो काम कर दो, लेकिन आप कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से बच्चा जब भी पढ़ने बैठता है तो उसकी एकता हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त पर भी फर्क पड़ता है और याद ना होने पर उसके सर में दर्द होना शुरू भी हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों के जो ग्रोथ होती है उसकी तरह ही उसके पेन में भी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि ये सभी प्रॉब्लम ना हो तो आप बच्चों को कभी भी काम करने के लिए पढ़ाई के समय कभी ना बोलें, हमेशा उनसे जब वे खेल रहे हों या फिर कुछ और कार्य कर रहे हों तब उनसे बोल सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे आप उनके कॉन्सेंट्रेट में बिल्कुल भी इधर से उधर भी ना करें तो बेटर रहेगा। और आप खास ख्याल रखें उसके स्टडी रूम का, आप स्टडी रूम की हमेशा सफाई करते रहें, क्योंकि स्टडी रूम में ज़्यादातर बच्चे पढ़ने के बाद अगली क्लास में चले जाते हैं तो पुरानी किताबें रखी रह जाती हैं, तो आप पुरानी किताबें या फिर जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं वह स्टडी रूम में नहीं रखनी चाहिए। आप हमेशा स्टडी रूम में वही चीज़ रखें जो चीज़ बच्चों की ज़रूरत के लिए है और बच्चा उन चीज़ों से कुछ सीख सकता है। यदि बच्चा उन चीज़ों को पहले ही पढ़ चुका है तो आप उन चीज़ों को बिल्कुल ना रखें। और आप स्टडी रूम में कोई भी कवित्री, यानी कि आपने ज़्यादातर देखा होगा कि स्टोरी की किताबें बच्चे रख लेते हैं, उन्हें पढ़ने का ज़्यादा शौक होता है, तो आप ऐसी किताबें भी ना रखें, क्योंकि बच्चा हमेशा उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देगा जो चीज़ उसको दिखाई देती है। ज़्यादातर इंटरेस्ट उन्हीं चीज़ों में जाता है जो चीज़ें उन लोगों को ज़्यादा नज़र आती हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि बच्चा पढ़े तो आप ये चीज़ें बिल्कुल ना रखें, और आप हमेशा ये याद रखें कि आप कमरे की जिस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं तो उसमें आप ब्लू और काला दोनों कलर को परहेज करें, यानी कि ये दोनों कलर आपको बिल्कुल नहीं लगाने हैं, तो पर्दे और ना ही आसपास के फ्लोर की कोई भी चीज़ें, क्योंकि ये कलर बच्चे को अट्रैक्टिव करते हैं और जिसकी वजह से बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और बच्चे याद ना करने का ये सबसे बड़ा कारण भी हो सकता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार देखा जाए तो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कलर से होती है और आसपास की चीज़ों से होती है। यदि आपके आसपास कोई बैठा हो और बच्चे याद कर रहे हो तो वह उन चीज़ों पर ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर और कोई कार्य कर रहा होता है,
और यदि वह कुछ कार्य कर रहे होते हैं तब वह बच्चा उस तरफ ध्यान नहीं देता। याद करने पे कॉन्सेंट्रेट जब तक नहीं बन सकता जब तक बच्चा खुद ही तैयारी करने के लिए तैयार ना हो, और साथ के साथ उसके आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रखें उसकी हर चीज का, हर जरूरत का, लेकिन उसके आसपास उधम ना मचाएं या फिर बच्चों को खेलने के लिए बिल्कुल ना भेजें। आप हमेशा बच्चों का एकांत कमरा होना चाहिए जहां पर बच्चा सिर्फ पढ़ सके, जिसकी वजह से उसका कॉन्सेंट्रेट भी बनता है और साथ के साथ याददाश्त भी सही रहती है। और आप यदि चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बने और उसकी तरक्की के लिए आप हमेशा कैरियर बनाने के लिए कोई ना कोई जरूरत की चीजें लाकर रखते रहते हैं, तो आप बच्चों की तरफ ध्यान दें कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अपने खाने पीने का भी खास ख्याल रखे। क्योंकि जब तक बच्चा खाने पीने का खास ख्याल नहीं रखेगा तो उसकी वजह से उसे याद करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि आप चाहते हैं कि बच्चा आपका अच्छे मार्क्स से पास हो जाए और साथ के साथ आपका भी नाम ऊंचा करे और अपना करियर बनाए, तो आप इन चीजों का खास ख्याल रखें। जब तक के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे विदा लेती हूँ।